सरकार लेके आई है वो बिल्कुल देश विरोधी योजना है, जिससे हमारी जो आर्मी है, हमारी सेना है, उसका भी मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। इस देश को 2-3 पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। इसका आज पुरजोर विरोध किया है युवा शक्ति ने और किसान यूनियनों ने, उसका समर्थन किया। देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से ही इसके विरोध में है और आम आदमी पार्टी अब एक अलग से भी जबरदस्त आपको बहुत जल्दी प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और जब तक ये तानाशाही फरमान मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती और उनको जैसे किसानों के सामने झुकना पड़ा था वैसे भी जवानों के सामने झुकना पड़ेगा, निश्चित तौर पर ये वापस होगा।